हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड स्वागत है सभी का फिर से एक और नए क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। गाइज, आपको मैंने क्या कहा था कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द अपने बेसिस को मैक्स करूँ ताकि अपने CWL में अपने क्लैन में खेल पाऊँ। आई थिंक ऑलमोस्ट 9 महीने होने को आए हैं कि मैं CWL नहीं खेला हूँ। जब ऑफ हो गया था क्लैश ऑफ क्लैंस से, उसके बाद वापस आया तो टाउन हॉल 15 के कोई भी अपग्रेड्स मेरे हुए नहीं थे। सब कुछ हमने करने की कोशिश करी, पूरा एफर्ट दिया। एंड इस वीक जो था, आपको पता होगा, अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा था कि मैं किसी और क्लैन में खेलना चाहता था, बट मेरे जाने से पहले उन्होंने मुझे एक्स्ट्राज में रख लिया तो मैं वो भी नहीं कर पाया। बट एक ऐसा सिचुएशन बन गया कि कोई एक प्लेयर था जो अचानक से ऑफ हो गया, मतलब कोई रीज़न होगा, शायद फैमिली रीज़न जो भी है, वो अटैक नहीं कर रहा था, तो मुझे रिप्लेसमेंट के तरीके से अपने क्लैन में मौका मिला। एंड गाइज, 3 अटैक्स हमें मिले, लास्ट के 3 वॉर के अटैक्स हमें मिले एंड हमने डिसेंट किया। यस, मतलब यस, हम मुझे पता है कि हमने ओवरऑल अच्छा नहीं किया है। एंड मैं लीव करने के बाद और ये सीज़न में ऐसे भी प्रॉब्लम्स हुए, और लीव करने के बाद से थोड़ी क्लैन भी थोड़ी बिखर गई थी, 2-4 प्लेयर्स भी ऑफ हो गए थे, बट हम अब फाइनली आ चुके हैं। सारे प्लेयर्स को एक साथ लाएंगे और अपना भी पूरा फुल एफर्ट देंगे। और ये चीज़ जैसे मैं बता रहा था कि 3 लास्ट वॉर में मुझे मिला मौका और हमने डिसेंट किया गाइस। यस, पहला अटैक जो मैंने 5th वॉर में किया था वो मेरा 99% रहा। बस 2 या 3 सेकंड्स की बात थी। आप देख सकते हो, ये मेरा अटैक नंबर 11 पे मैंने किया था 99%। थोड़ा टाइम के लिए मैं चूक गया। एंड नेक्स्ट वॉर जो कल था, उस वॉर में हमने ठीक ठाक परफॉर्म किया एंड मैंने एक ट्रिपल निकाला नंबर 8 के ऊपर। ट्रिपल निकाला था हमने, टाइटन स्मैच किया था मैंने। एंड आज के वॉर में भी हमारा अटैक डिसेंट गया था, टाइम फेल रहा। मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया था ग्रैंड वार्डन वॉक में, बट ये वाला अटैक मैं आपसे शेयर करूँगा। ऑब्वियसली आज एक रोड टू मैक्स की वीडियो है और वो हम कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले मैं ये अटैक थोड़ा अपने शेयर करना चाहता था क्योंकि इतने दिनों बाद आके शेड्यूल में ट्रिपल निकाला मैंने, तो अंदर से मुझे खुशी हो रही थी। मैं सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। तो ये बेस था एंड प्लान मेरा सिंपल था, ये वाला साइड जो है मैं क्लियर करके विथ फ्लेम फ्लिंगर एंड ग्रैंड वार्डन। ग्रैंड वार्डन एक्चुअली मेरा टैंक कर रहा था फॉर कुछ डिफेंसेस के लिए, एक्चुअली मोटार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि मोटार के शॉट्स मैं लेना नहीं चाहता था। एंड हमने अप्रेंटिस वार्डन, जो कि मैंने काफ़ी वीडियोस देखे ई स्पोर्ट्स के, और मुझे लगा कि अप्रेंटिस वार्डन काफ़ी अच्छा है। अगर आप किंग एंड विचेस जो फ्लैंक में आप डालते हैं उसके साथ डालोगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसको मैंने ट्राई डाला यहाँ पे एंड बहुत अच्छा रिजल्ट गया। मैं दिल से बोलूँ तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि ये ट्रिपल हो जाएगा। प्लान मेरा बेसिक था कि एक तरफ का पूरा बेस हम फनल बनाएंगे अच्छे से ताकि हमारे जो टाइटन्स है वो विद द क्वीन विद द वार्डन बेस के कोर में पहुँचे, जैसे यहाँ पे स्कैटर और मोनोलिथ वाला कंपार्टमेंट है। एंड देन हम कोशिश करते हैं कि बैक साइड का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम रॉयल चैम्पियन से फिनिश करना। ये मेरा प्लान था, सिंपल प्लान था, और एग्जीक्यूट अच्छा हुआ और ट्रिपल वहाँ से हमें निकालने को मिला। मज़ा आया यार, सच बता रहा हूँ। और पहला अटैक जो हमारा था वो था माइनर हाइब्रिड था, माइनर एंड सुपर हॉग राइडर्स, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया वो टाइम फेल हो गया, बस 1-2 सेकंड की बात थी, बट अब कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो बट यहाँ पे जैसे ये 2 फाइनल बिल्डिंग्स क्लियर हो रही थी, मेरे को पता था कि अब जितना फनल मुझे चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पे हमने दोनों विचेस को ड्रॉप किया, अपने किंग को ड्रॉप किया एंड अपना अप्रेंटिस वार्डन, जैसे मैंने बताया कि फ्लैंक में काफ़ी अच्छा वर्क करता है इस कॉम्बो के साथ। अब मेरा जो फिनिक्स है वो मैक्स नहीं है, लेवल 5 है, उसके ऊपर मुझे फोकस करना है। अभी तो अटैक के टाइम पे हमने पोशन यूज किया था इसलिए हमें सब मैक्स मिल रहे थे, बट मैक्स नहीं है, उसके ऊपर हमें वर्क करना है। यहाँ पे मैंने क्वीन से ड्रैग कर लिया था वार्डन को, हमने यहाँ पे अपना एक आइस गोलम ड्रॉप किया, हमने टाइटन्स को ड्रॉप किया और हमारे सारे चीजें बहुत अच्छी तरीके से फनल हो चुके थे। यही सेम अटैक मैंने आज के CWL में भी करा था और सब कुछ सही आया था हमारा, ऐसा कोई नहीं कि हमारा अटैक बुरा गया था। बट जैसे हमने बताया कि ग्रैंड वार्डन वॉक पे हमने इतना टाइम खर्च कर दिया था कि वहां पे हमारा इशू हो गया, तो बेस के कोर में सब कुछ पहुंच चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। फ्रीज वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा हमारा, एक्चुअली वो आइस गोलम की डेथ से हमें फ्रीज मिला था। यहाँ पे हमने वार्डन एबिलिटी से सब कुछ बचाया। मैं चाहता था कि लावा हाउंड निकले लिटरली, क्योंकि लावा हाउंड के जो लावा पब्स है वो टाइटन की वजह से तुरंत मर जाते हैं, तो वो एक सही चीज़ है। यहाँ पे एक स्केलेटन स्पेल डाल के हमने डिस्ट्रैक्ट किया एनिमी क्वीन को एंड वार्डन के स्टैच्यू को ताकि हमारी क्वीन जो है वो थोड़ी सेफ रहे, और हमारी क्वीन ने इजीली उसके जो 2-4 बच्चे कुछ यहाँ के डिफेंस है उसे निकाल दिया। अभी तक हमने रॉयल चैंपियन डिप्लॉय नहीं किया, जैसे मेरे CC के सुपर हॉग राइडर्स निकले मैंने अपना रॉयल चैंपियन ड्रॉप किया बॉटम साइड पर, और आप देख सकते हो बेस में
कुछ ऐसा है नहीं। कोर में दो एक विजर टार्स थे, क्वीन एबिलिटी हमारी पड़ी थी, रॉयल चैंपियन हमारी एबिलिटी पड़ी थी, दो हमारे फ्री स्पेल्स पड़े हुए थे और बहुत इजी तरीके से हमने इस बेस को क्लियर कर लिया और अच्छा लगा। जैसे मैंने बताया ना कि आप कुछ प्लान करते हो और उस प्लान के मुताबिक सब चल रही होती है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड प्लान भी बड़ा सिंपल था मेरा कि दोनों साइड को अच्छे से प्रॉपर फनल करना है एंड रेस्ट जो हमारा इलेक्ट्रो जो हमारा टाइटन इलेक्ट्रो टाइटन एंड बाकी का जो हमारा ग्रुप है वो मर्ज होकर इस बेस को क्लियर करेगा। और वैसा ही हुआ, दो स्पेल्स भी हमारे बच गए थे, यूज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। अब चलिए गाइज कुछ अपग्रेड्स करेंगे एंड एक अटैक और मैं करूंगा, ये सेम आदमी ही मैं यूज कर रहा हूं अभी के लिए फिलहाल। मुझे सीसी को लेना पड़ेगा, सीसी एक काम करते हैं हम सीसी ना यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने सीसी ले ली और मैं फ्लेम फिंगर यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरे पास खुद का है तो वहाँ पे कोई इशू मुझे नहीं है। ओके, अब जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था गाइस कि कुछ अपग्रेड्स हमारे, देख सकते हो गाइस हमारे स्टोरेज वगैरह सारे भर चुके हैं। कल हमने दो अटैक्स अपने मिस कर दिए, एक्चुअली कल रात काफ़ी वक्त हो चुका था, एक मूवी देख रहा था मैं एंड उसके बाद हम कर नहीं पाए, बहुत बुरे अटैक्स जा रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, मैं लालो कर रहा था विथ क्या बोलते हैं उसको सुपर आर्चर्स और हर बार मेरे सुपर आर्चर्स फेल हो रहे थे क्योंकि मैं अपना क्या बोलते हैं उसको इनविजिबिलिटी स्पेल लेट डाल रहा था। तो मैंने तौबा कर ली कि भाई मुझे नहीं करना है, मैं अपना इस वाले अटैक में आता हूँ। वैसे मेरे को सुपर बोलर्स करने, बट मैं सुपर बोलर्स कर रहा हूँ अपने दूसरे अकाउंट से, तो मतलब दोनों अकाउंट से सेम अटैक प्रैक्टिस नहीं करनी मुझे। यहाँ पे मैं टाइटन कर रहा हूँ और वहाँ से मैं सुपर बोलर्स कर रहा हूँ, हाइब्रिड माइनर्स भी करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैक्सिमम जो बेसेस मुझे मिल रहे हैं लेजेंड्स में वो एंटी टू स्टार बेसेस मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट डेंस डिफेंस बेस हैं और वहाँ पे क्वीन चार्ज करना, क्वीन को बचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत स्पेल्स खर्च करने पड़ रहे हैं जो मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं इस अटैक पे थोड़ा शिफ्ट हो चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले अपग्रेड्स के बारे में बात करूं, तो गाइस दो बिल्डर्स फ्री हैं, रिसोर्स की कमी नहीं है। ये हमारा क्या नाम है इसका, डिगी हमारा लेवल 4 पे जा रहा है, मेरे को जल्द से लेवल 10 का करना है। मैं पहले सोच रहा था फीनिक्स को 10 करूंगा उसके बाद डिगी 10, बट अब मैंने पहचान लिया है डिगी की पावर, तो मैं पहले डिगी को 10 करूंगा उसके बाद फिनिक्स को 10, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। जो पेट पोशंस मिल रहे हैं वो हमको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं, बट इतना भी हेल्प नहीं, तो हम जितना हो सके हेल्प वहाँ से लेंगे। अब क्योंकि ये CWL मैंने खेल लिया तो ऑब्वियसली मुझे कुछ मेडल्स मिलेंगे जिसकी मदद से मैं वार्डन को, एक लेवल मेरा बचा है वार्डन, वो कर लूंगा, वो आई थिंक एक दो दिन में हमारा हो जाएगा। तो चलिए अभी सबसे पहले हम करते हैं गोल्ड से एक डिफेंस अपग्रेड, और डिफेंस के बारे में बात करूं तो विजर्ड टार इज द बेस्ट चॉइस, यस सबसे बेस्ट चॉइस हमारा विजर्ड टार है। तो यहाँ पे हमने विजर्ड टार को अपग्रेड करके साइड कर दिया। अब हमारे पास जो एलिक्सर है उसके लिए हमने सोचा कि एक दो वॉल्स हम करेंगे, परफेक्ट। और हमारे पास ट्रेजरी में काफ़ी सारा लूट है जिसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से, एंड उसके हेल्प से मैं एक और वॉल करता हूँ, एक ही डिफेंस करूँगा क्योंकि जो बच्चे कुछ डिफेंस सॉरी बिल्डर्स हैं वो अभी बाद में फ्री होंगे, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे थोड़ा सेव करना पड़ेगा। एलिक्सिर मैं अभी थोड़ा सेव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बस 5 दिन बचे हैं और जैसे ट्रेडर से मुझे मिल जाएगा 1 दिन 21 घंटा, मतलब 2 दिन बाद जैसे मुझे रिसर्च पोशंस अवेलेबल होंगे रेड मेल्ट से, मैंने उनको वापस से उठाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं वहाँ थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ये दो अपग्रेड थे जो मैंने यहाँ पे किए, फटाफट अपने चलते हैं उस वाले अकाउंट में, वहाँ पे भी एक अपग्रेड पेंडिंग है, वो अपग्रेड करते हैं, उसके बाद आके टाइटन का अटैक भी हमने करना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके हमारा डिगी अपग्रेड हो चुका है और डिगी को हमने वापस से अपग्रेड पे डालना है। तो यहाँ पे हमने रिसोर्स जो है वो पूरा निकाल लिया है जितना हो सके और यहाँ पे आके हमने अपना डिगी, ओ भाई 230 कितना है, दो ओ नो ओह अच्छा अच्छा भूल गया, मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे यहाँ पे ये उठाना था, यस। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया फिर से डिगी को, इसमें भी मैं डिगी कर रहा हूँ क्योंकि डिगी का पावर जैसे आपको बताया मैंने, मुझे पता चल चुकी है कि डिगी का कितना पावर है, तो डिगी का पावर अगर हमने यूज़ करना है तो जल्द से जल्द से मैक्स भी करना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हो एक बिल्डर फ्री है, तो सबसे पहले प्रोग्रेस बेस लगाते हैं, ये हमारा प्रोग्रेस बेस लग चुका है। एलिक्सिर पहले हमारा लैब देखता हूँ, 12 दिन भाई लैब तो अभी बहुत लंबा फ्री हो रहा है, तो वहाँ पे तो कुछ हम कर नहीं सकते। बात करें ग्रैंड वार्डन की, तो ग्रैंड वार्डन तो हमको अपग्रेड करना है बट हमारे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, 2 दिन बाद बुक अवेलेबल होगा, तो एलिक्सिर हम सेव करेंगे। गोल्ड से एक डिफेंस अपग्रेड करेंगे, बट उससे पहले हमने फिगर आउट करना है क्या, एक इन्फर्नो बचा है, तो ये वाला इन्फर्नो को हमने यहाँ पे अपग्रेड पर लगा दिया एंड इसको भी हम ड्रैग करके साइड कर लेंगे। एक चीज़ मेरे से गलती हो गई जो मैं मानूंगा, वो ये है कि एक वॉल मुझे कर लेना चाहिए था क्योंकि मेरा एलिक्सिर जो है वो यहाँ पे फंस चुका है, एलिक्सिर से अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्डर्स भी बिजी हैं मेरे और लैब तो भाई 12 दिन का, डैंग इट यहाँ पे एक गलती कर दी। एक वॉल में मार सकता था क्योंकि मेरा बिल्डर फ्री नहीं है, 3 दिन 20 घंटे बाद फ्री होगा। देखते हैं कुछ बिल्डर पोशंस हैं या नहीं है हमारे पास, बिल्डर पोशन 1 है ओके 2 है 3 है ओके 3 बिल्डर पोशन है, चलो कोई नहीं, थोड़ा टाइम तो रिड्यूस हो जाएगा बट उतना भी नहीं होगा। अब चलिए फटाफट हमारा अटैक
जाके करते हैं जो अटैक हम करना चाहते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रो टाइटन स्मैश अटैक है। और मैं चाहता हूँ कि कॉम्पैक्ट बेस ना मिले, कॉम्पैक्ट बेस में ये अटैक जो है वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, उसमें सुपर बोलर्स अच्छे हैं। लेट्स गो, देखते कैसा बेस मिलता है। ओके ठीक है, मतलब 3 होगा या नहीं होगा वो तो नहीं पता, बट एटलीस्ट जैसा बेस मैं चाहता था वैसे। ओके तो हमारा प्लान बिल्कुल ही सिंपल रहेगा जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। ओके ठीक है, सबसे पहले 2 वॉल ब्रेकर्स यहाँ पे ताकि कोई ट्रैप्स वगैरह वहाँ पे ना हो, मेरा इसको हर्ट नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं फ्लेम फिंगर को। अब एक बारी फ्लेम फिंगर अपने रॉक्स फेंकना शुरू कर देगा, स्पिरिट्स फायर स्पिरिट्स फेंकना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे 1 आर्चर मैं ड्रॉप कर दूंगा टू हेल्प द क्लीन अप। एंड उसके बाद हम वार्डन जो है वो यहाँ से चालू करेंगे। हियर वी गो, यहाँ पे आ जाएगी मेरे एक बलून, 2 अभी के लिए फिलहाल 2 यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। एक वॉल ब्रेकर, ये वाला पोर्शन मैं पहले क्लीन अप कर लेना चाहता हूँ। नाइस, सही जा रहे हैं अभी तक। ये किंग जो है वो एक छोटी सी परेशानी हो सकती है, बट उससे अभी हम दूर हैं। 1 मिनट 50 या 1 मिनट 40 के आसपास मुझे अपना मेन अटैक शुरू कर देना पड़ेगा, वरना बाद में फिर टाइम इशू हो सकता है। अब चलिए हम अपने एक्चुअली एक वॉल ब्रेक यहाँ करता हूँ डबल। ओके अब आ चुका है किंग, तो यहाँ पर हमने भेज दिया है अपना ये, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज करते हैं। अरे मैंने लेट कर दिया, किंग आ जाएगा, अप्रेंटिस वार्डन आ जाएगा। ओके ये एयर डिफेंस जैसे टेक डाउन होगा वैसे मैं अपनी क्वीन से इसको खींच लूँगा। ये आ जाएंगे हमारे, ये हमारा ये आ जाएगा, बाकी के हीलर्स आ जाएंगे, कोकोलून्स आ जाएंगे, हमारा विजर्ड आ जाएगा, हमारा एक और वॉल ब्रेक आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेज। परफेक्ट, नाउ वी हैव टू जंप हेयर, पॉइजन कर देंगे इस चीज़ को। एक और रेज, साइड से हमारी आरसी आ जाएगी, वार्डन एबिलिटी, एक्चुअली वार्डन एबिलिटी मैं बाद में डालना चाहता था बट आपने देखा ना वहां पे प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। यहाँ पे एक रेज आ जाएगा, फ्रीज कर देंगे हम इस चीज को। ओके ओके फ्रीज, स्केलेटन इस साइड पे, आरसी को इनविज, फीन एबिलिटी, कम ऑन टाउन हॉल, कम ऑन, क्या कर रहे हो? ओ नो, स्केलेटन्स में बिजी हो गए थे सारे। अरे यार क्या बोलूं मैं, क्या बोले भाई साहब, क्या बोले। चलो मुझे लगता है फिर भी टाउन हॉल हमें मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे काफी सारे ट्रूप्स बचे हुए हैं। अरे क्या कर रहे हो, कहां वॉल ब्रेक कर रहे हो भाई? कांट बिलीव दिस, यार 10 सेकंड बचे हैं, कम ऑन, अब तो कम से कम टाउन हॉल को टारगेट करो वार्डन। ओके फाइनली टाउन हॉल।